हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इंग्लिश भाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट नंबर 1 से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। डिस्कस मुल्क राज आनंद एज ए नॉवलिस्ट, यानी एक नॉवलिस्ट के रूप में मुल्क राज आनंद का वर्णन करिए। और करके एक क्वेश्चन और देखते हैं। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन मुल्क राज आनंद्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडो एंग्लियन फिक्शन, यानी इंडो एंग्लियन फिक्शन के डेवलपमेंट में मुल्क राज आनंद का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, उस पर एक क्रिटिकल नोट लिखिए। तो आइए अब आंसर को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिक्शन, यानी इंडियन फिक्शन के इतिहास में, भारतीय कथा साहित्य के इतिहास में, द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लेखक थे, दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड, जिन्होंने योगदान दिया था टू इंडो एंग्लियन लिटरेचर, इंडो एंग्लियन साहित्य में। इंडो एंग्लियन का जो मतलब होता है पर्सन ऑफ ब्रिटिश बर्थ एंड लिविंग इन इंडिया, एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटिश बर्थ का हो लेकिन इंडिया में रह रहा हो, उसे हम आंग्ल भारतीय कहते हैं। इज एम आर आनंद, वह एम आर आनंद थे। इंडीड, वास्तव में, ही वॉज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 20th century, मुल्क राज आनंद 20वीं शताब्दी के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी सच्चे प्रतिनिधि थे। हिज लिटरेरी वर्क्स रेवील, उनके साहित्यिक वर्क रेवील भेद खोलते हैं कि ही वॉज नॉट मेयरली ग्रेट ऑब्जर्वर, कि वो मात्र केवल एक ग्रेट ऑब्जर्वर नहीं थे। एमआर आनंद नोन एज नॉवलिस्ट, एमआर आनंद को एक नॉवलिस्ट के रूप में जाना जाता है, यानी एक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी जाना जाता है। इज कंसीडर्ड बाई मैनी क्रिटिक्स, कई क्रिटिक्स मतलब आलोचकों के द्वारा उनको कंसीडर किया गया, यानी उनको समझा गया, टू बी वन ऑफ द बेस्ट इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में बेस्ट इंडियन राइटर्स में से एक राइटर समझा गया। ही हैज एस्टाब्लिश्ड, उन्होंने एस्टाब्लिश्ड किया, यानी स्थापित किया, द थीम्स, कहानियों को, ऑफ इंडियन लिटरेचर, यानी भारतीय साहित्य की कहानियों को उन्होंने स्थापित किया था। दैट इज रिटन इन इंग्लिश, और वो कहानियाँ इंग्लिश में लिखी गई थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर इन न्यू वेव ऑफ रियलिज्म, यानी न्यू वेव ऑफ रियलिज्म में, यानी आदर्शवाद की लहर में जो इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, दैट स्वेप्ट ओवर, जिस जो बहा कर ले गए इंडियन लिटरेचर को, भारतीय साहित्य को, इन 1920 और 1930 में, वॉज आनंद, वह मुल्क राज आनंद थे। ही वॉज फर्स्ट टू हिज नेम अमोंग मॉडर्न इंडियन ऑथर्स, उनका जो नाम है मॉडर्न इंडियन ऑथर्स के बीच में, यानी आधुनिक भारतीय लेखकों के बीच में सबसे पहले लिया जाता था। Who have chosen the English language, क्योंकि उन्होंने English language को चुना था as their medium of expression, medium of expression के रूप में। In the company with Raja Rao and R.K. Narayan, राजा राव और R.K. नारायण की कंपनी में, यानी उनकी संगति में, मुल्क राज आनंद inaugurated the age of इंडियन इंग्लिश, मुल्क राज आनंद ने एज ऑफ इंडियन इंग्लिश, यानी भारतीय अंग्रेजी के एज को इनऑगरेटेड किया था, प्रदर्शन किया था उसका।
और द इंडो एंग्लियन नॉवल, और इंडो एंग्लियन नॉवल का भी उन्होंने प्रदर्शन किया था। हिज फर्स्ट नॉवल वॉज अनटचेबल, मुल्कराज आनंद के पहले नॉवल का नाम अनटचेबल था, एंड इट्स करेक्टर्स आर रियलिस्टिक, और इस नॉवल के जो करेक्टर्स थे, जो पात्र थे, वो रियलिस्टिक थे, यानी यथार्थ से भरे हुए थे, यानी उसको कह सकते हैं यथार्थवादी थे। आनंद इज नोन एज स्टॉलवार्ट, आनंद को स्टॉलवार्ट के रूप में जाना जाता था, मजबूती के रूप में जाना जाता था, इन द फील्ड ऑफ इंडो एंग्लियन फिक्शन, इंडो एंग्लियन फिक्शन के क्षेत्र में। वॉज बॉर्न ऑन दिसंबर 12, 1905, उनका जन्म 12 दिसंबर 1905 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इन पेशावर, पेशावर में हुआ था, इन क्षत्रिय फैमिली यानी क्षत्रिय परिवार में, पेशावर में 12 दिसंबर 1905 को उनका जन्म हुआ था। एंड हिज मदर ईश्वर कौर, उनकी माँ का नाम ईश्वर कौर था, वॉज बिलोंगिंग टू एन एग्रीकल्चरल फैमिली, जो एग्रीकल्चरल फैमिली से बिलोंग रखती थी, यानी संबंध रखती थी। मुल्कराज आनंद अर्ली लाइफ, मुल्कराज आनंद की जो शुरुआती जीवन था उनका, वॉज लिव्ड इन द मिडेस्ट ऑफ पावर्टी एंड मिसफॉर्चून, उन्होंने गरीबी और दुर्भाग्य में यानी पावर्टी और मिसफॉर्चून के बीच अपनी ज़िंदगी जी। इट इज पॉसिबल दैट, यह संभव है कि द सफरिंग्स, जो कष्ट थे, ही शॉ, उन्होंने देखे थे, इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में देखे थे, लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन ऑन हिम, और उसने इनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, यानी डीप इम्प्रेशन छोड़ा। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड, वो गहराई से इन्फ्लुएंस्ड हुए, प्रभावित हुए थे, बाई हिज मदर ईश्वर कौर, अपनी माँ ईश्वर कौर के द्वारा। दस इस प्रकार, इन ब्रीफ, हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, कि मुल्कराज आनंद इज अ ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ इंडो एंग्लियन फिक्शन, कि मुल्कराज आनंद इंडो एंग्लियन फिक्शन के एक महान नॉवलिस्ट थे, एक महान उपन्यासकार थे। तो दोस्तों, ये था आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मुल्कराज आनंद एज ए नॉवलिस्ट, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो वह आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।